आज जो हम प्रदर्शन देख रहे हैं इंडिया गठबंधन का, जहां पर इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को 240 पर सीमित किया है, ये इंडिया गठबंधन के लिए काफी बड़ी बात निकल कर आ रही है। इसमें कांग्रेस का प्रदर्शन अपने आप में जबरदस्त रहा है, अगर आप सिर्फ कांग्रेस के आधार पर देखें। क्योंकि देखिए, हम बेस से तय करते हैं, बेस क्या है। 2014 में कांग्रेस पार्टी 44 सीट पर सिमट गई थी, उसके बाद 2019 में कांग्रेस पार्टी 52 सीट पर आ गई, यानी कि 8 सीटों का फायदा हुआ। और फिर उसके बाद 2024 में, यानी कि अब 99 सीट पर भारतीय जनता पार्टी है। वोट शेयर का इजाफा अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है। 2014 में कांग्रेस का वोट शेयर 19.3% था, जो कि 2024 में बढ़कर 21.19% हुआ। लेकिन इंडिया गठबंधन ने कुल मिलाकर बहुत जबरदस्त तरीके से एनडीए को रोकने में सफलता पाई है। अब इसके लिए कई ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी वाहवाही ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। क्योंकि राहुल गांधी ने आज ये साबित किया कि अगर उनकी वजह से कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा है, सालों साल झेलना पड़ा है, तो वही एक व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज कांग्रेस 47 सीटें एक्स्ट्रा जीत कर 99 के आंकड़े पर पहुंच पाई है। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा ने कांग्रेस पार्टी के स्थानीय संगठन में एक ऊर्जा भरी है। किसानों के मुद्दे को उठाकर कांग्रेस पार्टी ने लोगों की नब्ज को पकड़ने की कोशिश की है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि इंडिया ब्लॉक ने क्या क्या चीजें सामने रखी, तो इंडिया ब्लॉक ने कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन बनाया और इसमें जो सीट बंटवारा हुआ, ये अगर पहले हो गया होता तो शायद फायदा मिल सकता था और ज्यादा, या बड़ा नुकसान भी हो सकता था। लेकिन जो गठबंधन हुआ और जो सीट अलायंस हुआ, उसने कई बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बीजेपी की बढ़त को रोकने में सफलता पाई। दूसरी बात, कांग्रेस ने अपने कैंपेन में जातीय जनगणना, या इंडिया गठबंधन की बात करें, जातीय जनगणना, बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। घोषणा पत्र के 25 गारंटी पर जोर दिया। कांग्रेस ने अपनी पिच पर अपने गेम को खेलने की कोशिश की और यह कांग्रेस पार्टी के लिए फलित साबित हुआ। अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने पिच को छोड़कर बीजेपी के पिच पर जाकर लड़ाई करने की सोची होती, क्योंकि बीजेपी इसमें महारत हासिल करती है, 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को इसी आधार पर पछाड़ा, लेकिन कांग्रेस ने इस बार बीजेपी को वो स्पेस नहीं दिया, और यह बताता है कि कांग्रेस अगर अपनी पिच पर खेले तो बेहतर परफॉर्म कर सकती है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी की दो यात्राएं पैदल 10,000 किलोमीटर की यात्रा, इसने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कम से कम यह उम्मीद दी कि एक नेता है जो उनके साथ लड़ने और मरने के लिए तैयार है। प्रियंका गांधी का कैंपेन भी काफी हद तक काम आता दिखाई दिया और इसमें कोई शक नहीं है कि प्रियंका गांधी की वजह से अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर, ये तीन सीटें कांग्रेस के लिए बहुत फलित होती दिखाई दी। और खास करके अमेठी और रायबरेली जहां कांग्रेस जीती, और सुल्तानपुर जहां पर की समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अपने आप में एक बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में दूसरे नंबर की पार्टी बनकर निकली है। समाजवादी पार्टी की इस अभूतपूर्व सफलता के लिए सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव को ही सिरमौर माना जा सकता है। उन्होंने साबित कर दिया कि वो अपने पिता मुलायम सिंह यादव से भी दो कदम आगे निकले हैं। अखिलेश यादव ने अपनी तमाम कमजोरियों को समझते हुए, अपनी पार्टी की कमजोरियों को समझते हुए पीडीएफ फॉर्मूले पर पूरे तरीके से फोकस किया। इसकी वजह से उनको जो बहुजन समाज का जो समर्थन मिला वो जबरदस्त था। सीट के बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव ने बहुत बुद्धिमत्ता का काम किया। यादव को सिर्फ 5 सीट मिले, ये सभी उनके परिवार के। इसके अलावा बाकी सारे नॉन यादव ओबीसी को और ईबीसी को टिकट दिए गए। 4 मुसलमान को टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया और ये चारों मुसलमान उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। यानी कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर समाजवादी पार्टी की जो सोच और लाइन और लेंथ रही, जबरदस्त रही। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी ने अपना जबरदस्त प्रदर्शन रखा है। कांग्रेस पार्टी एक तरह से पुनर्जीवित होने के रास्ते पर आज महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। 13 सीटों को कांग्रेस पार्टी ने जीता है, 76% वोट शेयर के आधार पर, स्ट्राइक रेट के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी की जो तोड़फोड़ की राजनीति रही महाराष्ट्र में, यह राजनीति महाराष्ट्र के लोगों ने पसंद नहीं की। इस बात को भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा।
तोड़फोड़ की राजनीति गोवा में चली, वहां भी नहीं चल पाई ठीक से। गोवा के बाद आपने महाराष्ट्र में से बड़े पैमाने पर देखा, नहीं चल पाई ठीक से। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना पड़ेगा कि जब जनमत है तो उसको स्वीकार करना आवश्यक। सहानुभूति उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पास रही और इन दोनों पार्टियों ने अपने टूटे हुए दलों के मुकाबले कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। जो तमाम कांग्रेस के नेता बीजेपी के शरण में गए थे, उन सबों ने अपने अपनी जगहों पर या तो अंडर परफॉर्म किया या उनकी सीट पर बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। मराठा आंदोलन, किसान की नाराजगी और उसके साथ साथ आरक्षण पर हो रहे सवाल और संविधान, ये मुद्दे बहुत भारी रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में। ये सबक सीखने की बात है भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के लिए। और चलते चलते बस एक मिनट में दीदी की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने यह साबित कर दिया कि एक रीजनल पार्टी के साथ जब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होता है तो भारतीय जनता पार्टी वहां रीजनल पार्टी के सामने खड़ी नहीं हो सकती। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार ममता बनर्जी ने यह साबित किया कि पश्चिम बंगाल में उनकी तूती बोल। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते वोट शेयर पर न सिर्फ नकेल कसी बल्कि उनकी सीटें भी कम कराई। कुल मिलाकर देखा जाए तो टीएमसी ने यह साबित किया कि आज खेला हो बे जो एक स्लोगन है, इसकी महारथ सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को हासिल है। संदेश खाली का इतना बड़ा मुद्दा उठा, यह पूरा का पूरा मुद्दा संदेश खाली वाली सीट पर बीजेपी के लिए उल्टा साबित हुआ। पात्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार वहां से थी, पूरे तरीके से, बुरे तरीके से हार गई। इसके साथ साथ अगर आप ममता बनर्जी की पूरी स्ट्रैटेजी देखें तो यह साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल के जनता की नब्ज को अभी भी नहीं पकड़ पा रही है और भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय नेताओं पर भरोसा करना पड़ेगा। बाहर से लाए गए नेता भारतीय जनता पार्टी को वहां पर अपना वर्चस्व नहीं दे सकते और भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता बंगाल में रहे हैं उनके ऊपर बाहर से लाए गए नेताओं को थोपना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ा है। तो यह तमाम सीख है जो कि इंडिया अलायंस के जीत से भारतीय जनता पार्टी ले सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अलायंस को एक ऐसा बहुमत जो जनता ने दिया जिससे वो सशक्त विपक्ष के तौर पर काम कर सके, ये हमारे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है।